ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज़, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ललित मुकाती आपके साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर वंचित, शोषित एवं गरीब को अपनी छत मिलने का सहारा प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदान किया है और हजारों के सर पर छत का निर्माण कर लाखों आवासों का निर्माण पूरे देश भर में हो रहा है। जिन हितग्राहियों के पास कच्चे मकान है, उन्हें मकान बनाने के लिए रसोई घर एवं शौचालय सहित राशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इस अति महत्वपूर्ण योजना में भी भ्रष्टाचार के चलते कई गरीब आवासहीन स्थिति में ही जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं कि वह गरीबों के मकान भी अपने दंभ में दबाए जा रहे हैं। मामला छावा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम उमरखाल का है, जहाँ पर वंचित दलित बस्ती में कई कच्चे व टूटे मकान पिछली बार बारिश में ढह जाने के बाद से आज भी उसी हालात में है तथा ऐसी ही हाल ग्राम के विभिन्न गरीबों का है। ग्रामीणों ने ICN से बात करते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव PM आवास उन्हीं लोगों को प्राप्त कराते हैं जो 10 से 20 हज़ार की रिश्वत उन्हें देते हैं। ग्राम में कई ऐसे गरीब हैं जो रिश्वत दे नहीं सकते, इसलिए उनका नाम PM आवास की सूची से गायब हो जाता है या शामिल नहीं किया जाता है। इस संबंध में इछावर SDM विष्णु यादव जी से जब ICN की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी तथा जो भी हितग्राही है उन्हें आवास प्रदान करने की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार प्राप्त होता है। विस्तार से देखिए ICN न्यूज़। ICN न्यूज़ के लिए ललित मुकाती के साथ सीनियर जर्नलिस्ट परवेज खान की रिपोर्ट। इस संबंध में जनपद CO से मैं बात करूंगा और किसके द्वारा राशि की मांग की जा रही है, इन सभी तथ्यों पर जांच कराई जाएगी, परीक्षण कराया जाएगा और यदि ये तथ्य सिद्ध होते हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है बलवान सिंह। बलवान सिंह, ये पूरे देश के अंदर PM आवास मिल रही है। हाँ सर, तो क्या कारण है अभी तक तुम्हारा मकान सर? ये हमेशा यूँ कह रहे हैं कि सूची में तुम्हारा नाम है और कोई नाम ठाम ना कुछ नहीं, यहाँ से उल्टा पलटा करके और वो ऊपर नीचे कर देते हैं और जो पैसे पेमेंट कर देते हैं उनका नाम ऊपर कर देते हैं। अभी कुछ आरोप लगे हैं यहाँ पे जो सचिव सरपंच पैसे लेके PM आवास दे रहे हैं, कहाँ तक सच्चा है? सर इसमें कुछ दूसरे आदमी हैं वो पेमेंट ले लेते हैं और इनको पैसे बांट लेते हैं, मतलब जिनको पैसा देते हैं जो लोग उन्हीं को PM आवास उन्हीं को मिलते हैं पेमेंट। गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो जिनके ऐसे कच्चे मकान हैं? बहुत मकान है सर, ऐसे कच्चे मकान कम से कम 20-25 घर हैं ऐसे जिसके कच्चे मकान हैं, उनको अभी तक गरीबों को किसी को एक का आवास नहीं दिया इन्हें। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।